हेलो एवरीवन, आज डेट है 25 मार्च और द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज हम दो आर्टिकल डिस्कस करेंगे, तो चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल है वो हमारे नेबर कंट्री श्रीलंका से रिलेटेड है। सबसे पहले हम बेसिक फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। UNHRC, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। अगर हम इस ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके बेसिक फैक्ट की बात करें, तो ये जो UNHRC है इसको रिकंस्टिट्यूट किया गया था। क्यों? क्योंकि इससे पहले इसका एक प्रेडिसेसर ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। लेकिन उसके क्रेडिबिलिटी के ऊपर लोगों को विश्वास कम हो रहा था। जो प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन था उसमें जो क्रेडिबिलिटी है, लोगों का विश्वास है, वो कम हो रहा था कि वो ह्यूमन राइट्स के लिए ढंग से काम नहीं कर रही है। इसलिए वो पहले वाले जो ऑर्गेनाइजेशन था उसको रिमूव किया गया और उसकी जगह पर आया था UNHRC। आपका क्वेश्चन आज ये है कि UNHRC का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। देखो, आपको जो भी आइडिया हो, आपको लगता हो कि हम द हिंदू में ये नई चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, ये चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल होंगी आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो देखो, जब आप सजेशन देंगे तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारे सजेशन एक साथ इम्प्लीमेंट किए जाएं, लेकिन जो हमारे लिए होगा, पॉसिबल होगा, उनको हम जल्दी से जल्दी पॉसिबल करेंगे, कोशिश करेंगे कि उनको इम्प्लीमेंट किए जाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप नॉलेज गेन कर सको। और आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, UPSC दे रहे हो या स्टेट PCS दे रहे हो, CDS, CAPF, NDA, कोई भी एग्जाम, बैंक, SSC, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो उनसे रिलेटेड जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो हम नॉलेज, अगर द हिंदू इसमें इम्पोर्टेंट है तो द हिंदू से रिलेटेड हर टर्म्स को हम सॉल्व करने की आपके लिए कोशिश करेंगे। तो आप अपने सजेशन दिया करो, अगर आपको कुछ भी यूनिक चीज आप चाहते हो कि द हिंदू में ये नई चीज़ें हम इंक्लूड कर सकते हैं। देखो, एक क्वेश्चन बेस इसलिए हम सेशन रखते हैं, जैसे बीच बीच में आपसे क्वेश्चन इसलिए पूछ लिया जाता है ताकि आपको पता हो। एक चीज को सुनना और उस चीज को अपने खुद के द्वारा, जब तक आप खुद हाथ पांव नहीं मारोगे ना, तब तक आप अच्छे से नॉलेज गेन नहीं कर पाओगे। इसीलिए क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है बीच में, जैसे किसी का हेडक्वार्टर पूछ लिया, किसी की कंस्टिट्यूट ईयर पूछ ली। उसका कारण यही रहता है कि आप जाकर गूगल करो, खुद सर्च करो, तो खुद सर्च करोगे तो वो चीजें आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगी। सेशन मेरा देखो, वोल्केनो IAS अकेडमी का देखो या किसी और चैनल का देखो, जब तक आपके लिए अगर वो सेशन बेनिफिशियल नहीं है तो कोई मतलब नहीं है उस सेशन को देखने से। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन आज का ये है कि UNHRC का हेडक्वार्टर कहाँ है, आपको इसका कमेंट बॉक्स में नीचे आंसर देना। UNHRC के कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो इसमें 47 मेंबर होते हैं और जो एक मेंबर होता है वो मैक्सिमम टू कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए हेड बन सकता है, और 3 ईयर्स के लिए उसकी जो मेंबरशिप, ईच इलेक्टेड मेंबर जो होता है उसकी 3 ईयर टर्म होती है। जो हमारा पूरा ज्योग्राफिकल एरिया है, पूरा वर्ल्ड का जो एरिया है, उसमें एवरी एरिया के आधार पर लोगों को इलेक्ट, जो सीट है, 47 मेंबर है, उन सीट्स के लिए इलेक्ट किया जाता है। ये जो UNHRC है इसका फंक्शन है कि ह्यूमन राइट्स इश्यूज के ऊपर कोई भी नॉन बाइंडिंग रिजोल्यूशन ये पास करे किसी भी देश के लिए। यूएन के जो 193 मेंबर्स हैं वहाँ पर ह्यूमन राइट्स को किस तरीके से प्रिजर्व किया जा रहा है उसका पीरियडिक रिव्यू करने का काम करता है UNHRC, और इट ओवरसीज एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ वायलेशन इन स्पेसिफिक कंट्रीज। स्पेशल प्रोसीजर करता है सिर्फ ह्यूमन राइट्स को देखने के लिए, स्पेशल प्रोसीजर करता है कि ह्यूमन राइट ढंग से प्रिजर्व किया जा रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है देश में जो यूएन के मेंबर कंट्री हैं। अब हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं इस UNHRC के बारे में, अभी हम कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका, श्रीलंका में 1983 से 2009 तक सिविल वॉर हुआ, और ये जो सिविल वॉर है वो सिंगलीज डोमिनेटेड श्रीलंकन गवर्नमेंट, मतलब श्रीलंका में सिंगली जो वहां पर कम्युनिटी है उसका डोमिनेशन रहता है, और LTTE मतलब लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, इन दोनों के बीच में सिविल वार हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पर जो तमिल है वो माइनॉरिटी है श्रीलंका में, और वो हमेशा से चाहते थे कि उनको अलग से उनका एक हिस्सा
सेपरेट स्टेट एस्टेब्लिश करने की वो कोशिश कर रही थी। ये जो सिविल वॉर बन चला उसमें श्रीलंकन फोर्सेज और तमिल रिबेल्स, उनमें लगभग 1 लाख लोग मारे गए, मतलब दोनों ही तरफ से लोग मारे गए थे। और इस एट्रोसिटीज के दौरान सीधी सी बात अब ये उठ रही है कि जो इतने लोग मारे गए ना, 1 लाख लोग, तो पता लगाया जाए कि ये एट्रोसिटीज क्यों हुई थी, किसके कारण से हुई थी, किसने इसको स्पॉन्सर किया था, और जो रियल लोग हैं इसके पीछे उनको क्या किया जाए, उनके ऊपर पनिशमेंट चलाया जाए। इसीलिए ये रिजोल्यूशन धीरे धीरे उठ रहा है। क्यों? क्योंकि देखो 2015 से 2020 के बीच में यहाँ पर सिरीसेना की सरकार रही और उन्होंने प्रॉमिस किया था यूएनएचआरसी के साथ में कि हम हमारे यहाँ पर जो भी ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन हुआ है, जो भी लोगों के खिलाफ में एट्रोसिटीज हुई है, उनका हम प्रॉमिस करते हैं कि उनको हम पता लगाएंगे। 2015 से पहले भी यहाँ पर श्रीलंका में जो डेमोक्रेटिक डेफिशिएंट था, और अब 2020 के बाद में यहाँ पर राजपक्से, 2020 से राजपक्से की गवर्नमेंट है, राजपक्से ब्रदर्स, तो फिर से वहाँ पर डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट डेफिशिएंसी देखने को मिल रहा है। जो यूएनएचआरसी को प्रोमिस किया गया था उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए यूएनएचआरसी ने ये रेजोल्यूशन उठाया। 46 सेशन ऑफ यूएनएचआरसी में एक रेजोल्यूशन लाया गया प्रमोटिंग रिकन्सिलिएशन अकाउंटिंग ह्यूमन राइट्स इन श्रीलंका। दोबारा ये जो रेजोल्यूशन है इसमें कहा गया कि जो ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन है ना, वो करंट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हो रही है, डिटेरियोरेट हो रही है, मतलब घट रही है, कम हो रही है। इस जो रिजोल्यूशन है उसमें राइट डिफेंडर्स के बारे में एंड एथनिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज आर फेसिंग प्रॉब्लम्स, इनके बारे में भी बताया गया है। यूएनएचआरसी ने रिजोल्यूशन में ये प्रोवाइड किया कि यूएनएचआरसी चीफ वो मैंडेट करे सारी चीज़ों को, जो भी एविडेंस हैं उनको कलेक्ट करे। श्रीलंका में जब सिविल वॉर हुआ था तो कौन कौन से क्राइम हुए, कैसे कैसे ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया गया, और सिविल वॉर 2019 में जब ख़त्म 2009 में सॉरी 2009 में जब ख़त्म हो गया तमिल टाइगर रिबेल्स को हरा करके, तो उन लोगों में किस तरीके से उनका वायलेशन किया गया, इन सब के बारे में प्रूफ इकट्ठा करने की बात की गई श्रीलंका, श्रीलंका में यूएनएचआरसी के द्वारा। अब ये रिजोल्यूशन लाया गया, अब हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हमारा पड़ोसी देश है। देखो अगर हम GS2 की बात करें यूपीएससी में, तो उसमें इंडिया स्टेट रिलेशन, इंडिया और इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनसे क्या होता है और उसके ऊपर इंडिया का क्या फर्क पड़ता है, इंडिया पर क्या इफेक्ट करता है, वो तब हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब ये रिजोल्यूशन लाया गया यूएनएचआरसी में, और श्रीलंका गवर्नमेंट बार बार ये चाह रही थी कि इंडियन गवर्नमेंट उसमें इसका साथ दे। इंडियन गवर्नमेंट को साथ देने की भी या विरोध करने की भी आवश्यकता थी, क्योंकि तमिल्स के खिलाफ में स्पेशल ये वायलेंस हुआ था और तमिल हमारे यहाँ पर मेजोरिटी में है। ये भी देखा जा रहा था कि इस समय तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट चुनाव को बुलाने के लिए भी श्रीलंका का साथ दे सकती है, श्रीलंका के खिलाफ में वोट कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं किया। हमारी जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, उसने एब्सटेन किया, मतलब ना तो साथ दिया ना विरोध किया, और ये जो रिजोल्यूशन है उससे बिल्कुल दूर हो गई। UNHRC के 47 मेंबर्स में 22 मेंबर्स ने इसको अडॉप्ट किया, मतलब फेवर में वोट किया। 11 कंट्री जिसमें बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान, उसने इस रेजोल्यूशन के खिलाफ में वोट किया, और 14 कंट्री ऐसे हैं जिसमें भारत भी है, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान और नेपाल, उन्होंने एब्सटेन किया। श्रीलंका का स्टैंड ये है कि UNHRC जो है रेजोल्यूशन उसने रिजेक्ट किया, श्रीलंका रिजेक्ट करता है इस रेजोल्यूशन को। उसने कहा कि रिजोल्यूशन कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड विदाउट द कंसेंट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द कंट्री कंसर्न्ड। तो ये बात है, ये हमारे इंडिया के लिए इस तरीके से इफेक्ट कर रहा था कि इंडिया किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है। ऑस्ट्रेलिया का जो क्वींसलैंड है वहां पर, एक सेकेंड, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में एक माइनिंग, कोल माइनिंग वहां पर, जिसका नाम है कारमिकेल, कारमिकेल कोल प्रोजेक्ट, गैली, गैली वहां पर एक बेसिन है, ऑस्ट्रेलिया का क्वींसलैंड एरिया, वहां पर गैली बेसिन है और गैली बेसिन में है कारमिकेल कोल प्रोजेक्ट। इसको लेकर के इशू है, सीधा सा इशू ये है कि हमारे इंडिया का जो अडानी ग्रुप है वो 16.5 बिलियन डॉलर
इस कारमिकेल कोल माइन प्रोजेक्ट को खरीदने के लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया है और बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है उसका। विरोध होने का कारण क्या है? कई कारण है। देखो, ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट जो है वो तो प्रॉफिट मान सकती है इस चीज़ से, क्योंकि इससे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट पे इन्वेस्टमेंट आ रहा है, वहाँ पर जॉब क्रिएट होगी और रेवेन्यू भी मिलेगा ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को। लेकिन अगर हम सीधा सा अर्थ देखें तो इससे काफ़ी प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम है फाइनेंसिंग की प्रॉब्लम। जो अडानी ग्रुप है वो इस प्रोजेक्ट की फाइल 17 इंटरनेशनल बैंक के पास लेकर के गया था, लेकिन उन्होंने उनको लोन देने से मना कर दिया। मेन कारण ये था, उन्होंने ये बोला बैंक ने कि जहाँ आप रुपए लगा रहे हो ना, वहाँ रिवर्स में रुपए ज़्यादा आने वाले नहीं है, प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होने वाला है, इसलिए हम इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जिस चीज़ में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कोल में, वहाँ पर एनवायरनमेंट फैक्टर भी एक मेजर फैक्टर है। एनवायरनमेंट को काफ़ी नुकसान होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, उसकी वजह से सारा जो शेड्यूल है वो हमारी अर्थ का बिगड़ेगा। तो कोल में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ज़्यादा आपको रिवर्स में जो पैसा है वो इतना मिलेगा नहीं और इन्वायरमेंट को भी नुकसान होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए जो बैंक्स हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया। तो ये मेजर ये बात बोली जा रही है कि बिना ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के फाइनेंस के द्वारा अडानी यहाँ पर इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकता। और अभी जो एसबीआई है, एसबीआई बैंक हमारे इंडिया का, उससे भी फाइल वहाँ भी चल रही है कि बैंक का जो लोन प्रोसीजर है वहाँ से पास हो सके। वहाँ पर फाइल अभी अंडर स्क्रूटनी है। लेकिन देखो, सीधी सी बात ये बोली जा रही है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इसके लिए फाइनेंस किया है अडानी को और तभी उन्होंने यहाँ पर इतना इन्वेस्टमेंट किया है। दूसरा प्रॉब्लम है एमिशन को लेकर के, मतलब आप जितना गेन नहीं करोगे उससे ज़्यादा तो लॉस कर दोगे। देखो, क्लाइमेट चेंज एक मेजर इशू बनकर के आ रहा है और क्लाइमेट चेंज को करने में जो सबसे मेजर चीज है, चीफ कोज है, वो है CO2 एमिशन। 2019 में 36 बिलियन मेट्रिक टन जो है CO2 एमिशन हुआ और उसमें से 40% सीधा सीधा कोयले से आया। ये जो कार्मिकल माइन है ऑस्ट्रेलिया की, जहां पर जो अडानी ग्रुप ने इन्वेस्ट किया है, वो ऑस्ट्रेलिया की लार्जेस्ट कोल माइन है और यहाँ पर हर साल 60 मिलियन टन एनुअली कोल प्रोड्यूस होगा और 2.3 बिलियन टन ओवर इट्स 60 ईयर लाइफ स्पेन। मतलब 60 ईयर लाइफ स्पेन के तहत यहाँ पर इतना कोयला प्रोड्यूस हो जाएगा। और इस कोयले में से जो यहाँ से जो कोयला निकलेगा ना, उसको सबसे ज्यादा कहाँ भेजा जाएगा? इंडिया में। इंडिया मतलब ऑस्ट्रेलिया से जितना भी कोयला निकलता है और उसमें से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इंडिया को किया जाता है। 2020 में 16% ऑफ ऑस्ट्रेलियाज कोल एक्सपोर्ट वॉज शिप टू इंडिया। मतलब इंडिया प्राइमरी बायर होगा कार्मिकल कोल का। अब इस चीज को लेकर इतना इश्यू क्रिएट क्यों किया जा रहा है? भाई पहले भी तो लेता था कोयला। देखो, हेल्थ इशू सबसे बड़ा इशू है। जैसे आप जितना पैसा इससे से निकाल नहीं पाओगे ना, उससे ज़्यादा इससे खर्चा होने वाला है। मतलब आप बोल रहे हो, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट बोल रही है कि इनकम होगी, जॉब होगी, वो जो रेवेन्यू जनरेट होगा, लेकिन जो डिस्ट्रक्शन होगा पोल्यूशन से, सोइल इरोजन से, बायोडाइवर्सिटी लॉस होगी। इसके अलावा अगर नेट कंट्रीब्यूशन देखे फॉर इंडिया इज नेगेटिव। साउथ वेस्टर्न चाइना एनवायरमेंटल एंड सोशल डैमेज फ्रॉम कोल बर्निंग, देखो, एक्सीड द प्राइस ऑफ कोल बाई 4 टाइम्स। कोयले की वजह से जो नुकसान हो रहा है, इसके लिए कोयले के द्वारा कोयले का जो प्राइस है उसको 4 गुना कर दिया गया। मतलब कोयले से जितना प्रॉफिट हो रहा है उससे 4 गुना, तो कोयले की प्राइस से 4 गुना ज़्यादा तो नुकसान हो रहा है, एनवायरमेंटल एंड सोशल डैमेज हो रहा है। देखो, कोयले का यूज कहाँ किया जाएगा? पावर पावर जनरेट करने के लिए किया जाएगा। उस पावर में, मान लो आपने पावर की और पावर में आपने पैसा लगाया, जितना आपको आउटपुट मिलेगा ना, उससे ज्यादा 1 to 6 टाइम्स इससे नुकसान हो जाएगा, डेथ हो जाती है लोगों की। 1 लाख प्री मेच्योर डेथ एनुअली होती है इंडिया में कोल की वजह से, और सबसे ज्यादा जो गरीब लोग हैं वो इससे नुकसान होता है। देखो, तो ये सारी बात इसमें बोली गई है कि आप सोच रहे हो कि इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, लेकिन आप जो आपने टारगेट फिक्स किए हैं उनको आप वायलेट कर रहे हो। कंक्लूजन में ये बोल सकते हैं हम कि
सभी देशों ने, ज़्यादातर देशों ने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को लेकर के अपने जो टारगेट हैं उनको फिक्स कर लिया है, और इंडिया को भी अपने टारगेट फिक्स करने होंगे कि 2050 से पहले ही इंडिया अपने टारगेट अचीव कर ले पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को लेकर के। लेकिन इस तरीके के जब अगर इन्वेस्टमेंट होते रहे तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया कभी भी अपने टारगेट अचीव नहीं कर पाएगा। उन टारगेट अचीव करने के लिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को ये जो कोल है उनको छोड़ना होगा। ज़्यादातर देशों ने बोल दिया कि 2050 से पहले ही वो जीरो एमिशन टारगेट को, जीरो कार्बन टारगेट मतलब उसको अचीव कर लेंगे, मतलब जितना कार्बन उनके देश से निकल रहा है उतने कार्बन को वो एब्जॉर्ब कर लें, उनके देश से कोई भी कार्बन एटमोसफियर में ना निकले, एमिशन ना हो, और उसकी वजह से ना क्लाइमेट चेंज होगा, ना हमारे जो बायोडायवर्सिटी इरोजन पोल्यूशन ये हो रहा है वो होगा। तो एक तरीके से हर देश ने अपने टारगेट फिक्स कर लिए हैं, इंडिया को भी फिक्स करने होंगे, और ये जो कोल के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको कम करनी होगी। वैसे भी इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो सिर्फ एक तरीके से तो एक तरफ तो आप रिन्यूएबल एनर्जी को इतना ध्यान दे रहे हो, इतना कोशिश कर रहे हो कि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंस बढ़े, और दूसरी तरफ आप उतना ही नुकसान करते जा रहे हो, कवर अप करने की कोशिश कर रहे हो रिन्यूएबल एनर्जी की वजह से, और नुकसान करते जा रहे हो कोल ये जो भी फ्यूल है उनकी वजह से। तो अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हो ना, तो इन सारे ये जो दूसरे प्रॉब्लम्स हैं इनको आपको कम भी करना होगा। अगर आप इनको भी बढ़ाते रहे तो इनसे जो प्रॉफिट होगा ना आपको, वो ये लॉस कर देंगे, कोई मतलब ही नहीं है। सब कुछ बराबर इक्वल होएगा, जो पहले से पोल्यूशन चलता रहा है वो टाइम के साथ और इंक्रीज होता जाएगा। तो इसीलिए इस आर्टिकल में बोला गया है कि जो कोल के ऊपर डिपेंडेंसी है उसको कम करना होगा, और जो आपके टारगेट है उन सबको ध्यान में रख करके आपको इस तरीके का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके।